भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष और तेलंगाना निर्माण के लिए पिछले 3 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे मेरे स्नेही भाई किशन रेड्डी गारू, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे विद्यासागर राव गारू, बंडारू दत्तात्रेय गारू, नरसिम्हा राव जी को हराकर संसद में पहुंचे तेलंगाना के पूर्व सांसद जंगारेड्डी गारू, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री मुरलीधर राव गारू, हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हुए मेरठ के सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण और तेलंगाना के निर्माण के यज्ञ में अपनी आहुति देने आए भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार भाइयों और बहनों, जब किशन रेड्डी ने बताया कि हम लोग यहाँ दीक्षा के लिए आ रहे हैं, 3 दिन तक मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, तो मुझे लगा भाई आ जरूर जाओ, मगर इस बहरी सरकार को सुनता नहीं है और ये सरकार कुछ करती भी नहीं है। हर बार आते हो निराशा हाथ लगती है, इस बार भी निराशा ही हाथ लगेगी। मित्रों, मुझे दुख होता है कि तेलंगाना निर्माण को लेकर कितनी बार जंतर मंतर पर बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात हुई, मावलंकर हॉल में बात हुई, हम लोगों ने बरसियां वर्षगांठें मनाई उन विश्वासघातों की जो तेलंगाना के लोगों के साथ किए गए, लेकिन इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी। पर इस बार जब मैं इस मंच पे प्रवेश कर रही थी तो अपने भाइयों की हालत देख के मेरी आंखें नम हो गईं। इस बार केवल निराशा हाथ नहीं लगी, पुलिस की लाठियां भी लगी हैं। 35 लोग मेरे घायल हैं और 3 लोग अस्पताल में हैं। हमारे इंद्रसेन रेड्डी जी भी अस्पताल में। लेकिन मैं बैठे बैठे सोच रही थी, जब मेरा भाई गाना गा रहा था, वो गा रहा था कि तुमको समझ में नहीं आता, महिला से पूछो प्रसव वेदना क्या होती है। मैं एक महिला हूं, उस प्रसव वेदना को मैंने भोगा भी है। तो मैं यहां बैठकर सोच रही थी कि इस सब में से भी मुझे एक आशा की किरण दिखाई देती है, एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है, क्योंकि मैं मन से आशावादी हूं, निराशावादी नहीं हूं। मित्रों, ये तेलंगाना हमारा बच्चा है और इसीलिए इसको जन्म देने के लिए ये प्रसव वेदना आप भोग रहे हैं। लेकिन एक महिला के नाते बताना चाहती हूं कि प्रसव वेदना के बाद जब बच्चे का मुंह दिखाई देता है तो माँ सब कुछ भूल जाती है और उस बच्चे का मुखड़ा चूमने लगती है। इस प्रसव वेदना में से भी जिस तेलंगाना का निर्माण होगा, निश्चित होगा, और उस तेलंगाना, अपने प्यारे तेलंगाना को देखकर हम ये सारे कष्ट भूल जाएंगे, ये सारा संघर्ष भूल जाएंगे। लेकिन इस प्रसव वेदना में से तेलंगाना के बालक का जन्म होगा, होगा, होगा। इसलिए ये सरकार जितना मर्जी निराश करती रहे, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 3 साल इस सरकार के दूसरे कार्यकाल के भी बीत गए हैं, बहुत धोखे दिए इसने, बहुत धोखे दिए। मुझे याद है 2009 का चिदंबरम का वो बयान, अर्धरात्रि को, कि सोनिया गांधी के जन्मदिन के तोहफे के रूप में तेलंगाना मिल रहा है आपको। आतिशबाजियां हो गई, मिठाइयां बट गईं, लोग नाते गाते नाचने लगे कि हमारा तेलंगाना हमें मिल रहा है। मात्र 21 दिन के अंदर वो तोहफा वापस ले लिया। कभी दिया हुआ उपहार भी किसी ने वापस लिया है? इस सरकार ने दिया हुआ उपहार भी वापस ले लिया।
चुनाव के वायदे भूल गए, घोषणा पत्र में लिखे वायदे भूल गए, पर संसद के फर्श पर दिया गया बयान भी भूल गए। उसके बाद जब चुनाव उपचुनाव हो रहे थे, कांग्रेस के लोगों को प्रणब मुखर्जी ने बुलाया और कहा बस थोड़ी देर रुक जाओ, ये चुनाव हो जाने दो, उसके बाद हम तेलंगाना का निर्माण कर देंगे। वो आकर हमसे मिले, मैंने कहा इन तिलों में तेल नहीं है, ये सिर्फ तुमको टालने की बात है ताकि किसी तरह से ये मामला टल जाए, तुम देखना कुछ होने जाने वाला नहीं है। और लेटेस्ट लेटेस्ट क्या हुआ, ये बैठे बंडारू दत्तात्रेय जी, ये मुझसे मिलने आए, इन्होंने कहा सुषमा जी केसीआर को कहीं से संकेत हुआ है और उन्होंने हमसे कहा है इस महीने के अंत तक तेलंगाना बन जाएगा। मैंने कहा बंडारू जी अगर तेलंगाना बन जाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, लेकिन आप कह देना केसीआर को कि अब बार बार विश्वास करना भूल जाए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कितनी बार उन्होंने केसीआर को कहा हम तेलंगाना बना देंगे, इस महीने का अंत नहीं, अगले महीने का अंत और उससे अगले महीने का अंत और उससे अगले महीने का अंत भी हो जाएगा, तेलंगाना नहीं बनेगा। और जाके केसीआर और तेलंगाना के लोगों को कह देना तेलंगाना तब बनेगा जब इस सरकार का अंत होगा। तो दिसंबर के अंत में, सितंबर के अंत में, अक्टूबर के अंत में तेलंगाना नहीं बनेगा मित्रों, तेलंगाना के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। संसद के भीतर और संसद के बाहर, तेलंगाना की जमीन पर जाकर और दिल्ली के ऊपर सरजमी पर खड़े होकर हमने ये प्रतिबद्धता झलकाई है कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा तो पहले 3 महीने में हम तेलंगाना का निर्माण करेंगे। और ये बात मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नहीं कह रही, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की साथ मेरी 3-3, 4-4 मीटिंग्स हुई हैं। हर मीटिंग में मैंने उन्हें ये कहा कि इनके धोखे में मत आओ, इन पर भरोसा करना छोड़ दो। और मैंने उनसे कहा था कि अगर तेलंगाना बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनेगा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनेगा। अब मैं कह रही हूं कि इनके द्वारा बनेगा ही नहीं, तेलंगाना तभी बनेगा जब इस सरकार का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। ये तो तेलंगाना निर्माण के लोगों को लाठियां देते हैं, गोलियां देते हैं, आंसू गैस के गोले देते हैं। याद है आपको जिस समय तेलंगाना में सब कुछ ठप था, दुकानें बंद, फैक्ट्रियां बंद, दफ्तर बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद और सब सड़क पर थे, छात्र सड़क पर थे, कर्मचारी सड़क पर थे, व्यापारी सड़क पर थे, उद्योगपति सड़क पर थे, मजदूर सड़क पर थे, सर्वजन हड़ताल हुई थी। उस समय मैंने संसद में खड़े होकर कहा था कि अध्यक्ष जी तेलंगाना में सब कुछ बंद है, अगर चल रहा है तो केवल लाठियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं और ऐसे में ये संसद भी हमें बंद करनी होगी। और उस दिन हमने संसद बंद की थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो लाठियों की बरसात यहाँ तक भी आ जाएगी और मेरे लोग जो यहाँ आए हैं उनको लाठियों से मार मार के घायल किया जाएगा। लेकिन मित्रों जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, मुझे उस इतिहास में जाने की आज ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तेलंगाना के इतिहास को एक बार दो बार नहीं 20 बार गाया है। ये महिमामय इतिहास है, ये संघर्षशील इतिहास है। आपने जो कुछ पाया है वो संघर्ष से पाया है और आप अपना संघर्ष जिले जिले, ब्लॉक ब्लॉक, तहसील तहसील पर भी करते हैं, प्रदेश के हैदराबाद में भी करते हैं और फिर आकर दिल्ली देश की राजधानी में भी करते हैं। आज फिर आप अपना स्वर गुंजाने के लिए यहाँ आए हैं। संसद की कार्यवाही इन दिनों बाधित हो रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला हुआ है, वरना इस समय जब आप यहाँ आए हुए होते अगर संसद चल रही होती तो आपके स्वर में स्वर मिलाकर संसद के अंदर भी मैं वही बात कहती जो आज यहाँ कह रही हूँ। लेकिन आपको फिर कहना चाहती हूँ, केवल अपनी ओर से नहीं
भारतीय जनता पार्टी के समूचे नेतृत्व की ओर से आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ, अब ज्यादा देर नहीं, हो सकता है देश में मध्यावधि चुनाव ही हो जाए। अगर मध्यावधि हो गए तो पहले मिल जाएगा, और अगर मध्यावधि नहीं हुए तो भी 2014 में जब इस सरकार का अंत होगा और एनडीए का शासन आएगा तो 3 महीने के अंदर आपको तेलंगाना मिल जाएगा। इस प्रसव वेदना को भोग लो, उस बच्चे का मुंह याद करते हुए जो बाद में मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा कि वो महिला अपने बालक का मुंह दुखते ही वो पूरा का पूरी पीड़ा भूल जाती है, और उसे लगता है कि ये मुख की लालिमा थी जिसके लिए मैंने वो पीड़ा भोगी। वो तेलंगाना इतना सुंदर बच्चे के रूप में प्रकट होगा कि वो हम सब अपनी ये वेदना, संघर्ष और पीड़ा भूल जाएंगे। आपके आज के इस कार्यक्रम को मेरा बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, और किशन रेड्डी जिनके नेतृत्व में ये भूख हड़ताल चल रही है उनको भी मेरा बहुत बहुत आभार और मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और खास तौर पर मेरे वो भाई जो यहाँ से पुलिस की लाठियां खा करके जा रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत यशगान, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।